पसीने से भीगे कपड़े, जनता है बेहाल। घोषित और अघोषित कटौती ने जनता का दम ही निकाल कर रख दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जयपुर शहर की अगर बात करें तो 120 लाख यूनिट सामान्य मांग है, लेकिन अब गर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं, इसलिए मांग 150 लाख यूनिट हो गई है। लेकिन सरकार बिजली में कटौती लगातार बढ़ाती ही जा रही है। कॉल सेंटर पर शिकायतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। 25 जून को 1500 शिकायतें दर्ज की गईं, 26 जून को 1700, 27 जून को 1440, 28 जून को 1260, 29 जून को 1290, 30 जून को 1460, 1 जुलाई को 1690 शिकायतें दर्ज की गईं। इसके बाद शिकायतें और ज़्यादा बढ़ गईं। 2 जुलाई को 2050 और 3 जुलाई को 2000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। एक बार बिजली जाने के बाद दोबारा चालू होने में 5% तक ज़्यादा बिजली लगती है। जानकारों की अगर माने तो शहर में बिजली ट्रिपिंग की शिकायतें खराब मॉनिटरिंग के कारण आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो शिकायतों का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन बिजली मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुकी है। प्रताप जी, जिस तरह से बातें आ रही है, शिकायतें देखा, दिन ब दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज सुबह एक सज्जन से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भाजपा की जब सरकार थी, बीती सरकार, उस वक्त हमारे गांव में 24 में से 20 घंटे 18 घंटे बिजली मिला करती थी, आज 12 घंटे की भी कल्पना करना मुश्किल है। उनका एक सवाल था, जहन में एक सवाल था कि तब भी राजस्थान उत्पादन करके एक्सपोर्ट कर रहा था, आज यूनिट्स में इजाफा हुआ है, बिजली उत्पादन की यूनिट्स में इजाफा हुआ है, लेकिन आपूर्ति कम क्यों हो गई? नहीं अश्विनी, पहली बात तो इस ढंग से देखा जाना ही गलत है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां अलग थी और अभी परिस्थितियां, जैसे हम जानते हैं कि तमाम इकाइयां बंद पड़ी हैं, लेकिन इस बात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्यों उसकी प्लानिंग क्यों नहीं थी, उसने इकाइयों को बंद क्यों नहीं दिया, इकाइयां क्यों शुरू रहे इसके लिए क्यों नहीं प्रयास किए गए, क्यों हालात बिजली की स्केयरसिटी के पहले से ही आंकलन क्यों नहीं कर लिया गया, क्यों नहीं इस बात का पहले से ही पुख्ता इंतजाम हो गया कि हमें कहाँ से बिजली। एक और बड़ी बात जो अश्विनी, केवल पहली बात तो ये जो साफ तौर पर जाहिर है, जैसा ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ये केवल समस्या राजस्थान की नहीं, पूरे देश भर के तमाम राज्यों की, उत्तर भारत की विशेषकर राज्यों की हो चुकी है कि यहाँ तमाम बिजली घर बंद पड़े हैं, उत्तरी ग्रिड में बिजली की कमी है, ये सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर में जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो वादा जो सरकार है वो निभा नहीं रही है, और इसलिए उद्योगपतियों की मुश्किल है। वादे का तो एक सवाल है, लेकिन एक क्यों की भी बात आती है, क्यों और मेरे जहन में है, हम इस पर चर्चा करेंगे, हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए चर्चा में।